करनाल के मंगलसेन ऑडिटोरियम में आजादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष में एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ जिला उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने किया। इस प्रदर्शनी में हरियाणा के 75 वर्ष के विकास कार्यों को दर्शाया गया है, साथ ही हरियाणा की पुरातन संस्कृति से ओतप्रोत प्रदर्शनी यहां लगाई गई है। हम आपको बता दें कि हरियाणा सरकार द्वारा अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत पूरे प्रदेश में हरियाणवी संस्कृति से ओतप्रोत कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। उसी कड़ी में आज करनाल के मंगलसेन ऑडिटोरियम में लोक संपर्क विभाग चंडीगढ़ की ओर से यह प्रदर्शनी लगाई गई, जिसका करनाल के जिला द्वारा अवलोकन किया गया, प्रशंसा की गई। अच्छी यादें लेके जाएंगे, अच्छी स्मृतियां लेके जाएंगे, और जिस तरीके से खेल का एक विशेष स्थान है, एक विशेष भाव होता है, आपस में प्रतिद्वंदी खिलाड़ियों में सम्मान का भाव देना, एक दूसरे का रेस्पेक्ट करना, एक दूसरे के साथ मिलकर चलना, तो निश्चित रूप से एक अच्छे इंसान बनकर के हम यहाँ पे ध्यान से जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। साथियों, खेलों का महत्व आप सब भली भांति जानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि चाहे कोई भी दो लोग आपस में उनमें कितनी दुश्मनी हो, वैमनस्य हो, उनके साथ खेल खेलते हैं तो बड़े अच्छे मित्र बन जाते हैं। उसी प्रकार से चाहे दो जिलों के बीच में कॉम्पिटिशन हो, चाहे स्टेट्स के बीच में कॉम्पिटिशन हो, चाहे देशों के बीच में प्रतियोगिता हो, कॉम्पिटिशन हो, जब हम खेल खेलते हैं साथ में तो एक आपसी भाईचारे का भाव सब में जागृत होता है।